चुका है फिर से एक न्यू एपिसोड को लेकर। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियो युआन को, जहां पर कि एक जगह पे वो खड़ा हुआ था कि तभी पीछे से उसका पिताजी जी वो कहता है कि ये लड़के ने तो काफी सारा कल्टीवेशन करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आगे ग्रो नहीं कर पाएगा और शायद इसकी वजह से हमारी क्लाइंट की भी काफी ज्यादा हो जाएगी। कि तभी पीछे से जी जूनियर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ये बात देख के यहाँ पे जी वन से भाग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। वो भागते हुए चला जाता है और उसके पीछे पीछे जी जूनियर भागते हुए जा रही होती है। और फिर यहाँ पे हमें जी वन को दिखाया जाता है जो की गली में आके धीरे धीरे चलने लगता है और पीछे से उसको जी जूनियर फॉलो कर रही थी और वो ऐसे ही चलता जा रहा था कि तभी पीछे से आकर जी जूनियर कहती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। और पीछे से जी जूनियर आकर कहती है कि ब्रदर तुम कहाँ पे जा रहे हो। जहाँ पर कि ये बात सुन के यहाँ पे जी वन रुक जाता है और कहता है कि तुम यहीं पे रहो और तुम मेरे पीछे फॉलो मत करना। अब थोड़ी देर बाद सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि वो जगह चलते हुए जा रहा था और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में था क्योंकि यहाँ पर उसको पिताजी ने कहा था कि वो एक फूल है, क्योंकि ये बात उसे भी पता थी कि उसकी वजह से उसकी क्लाइंट की भी बदनामी होने लगी थी। वो ऐसे ही सोचते हुए जा रहा था कि तभी नोटिस करता है कि उसके आगे वही लड़का है। तभी वही लड़का कहता है देखो तो सही हमारे जी क्लाइंट का आ चुका है भाई सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा। लेकिन यहाँ पे जियो वन उसकी बातें इग्नोर करते हुए जाने लगता है कि अभी दो बंदे कहते हैं कि और वो कहते हैं कि अबे रुक तो जा भैया कहाँ जा रहा है, थोड़े से खुद के हाल चाल तो बता के जाओ ऐसे कैसे जा सकते हो। और तभी वो लड़का कहता है कि चलो भैया कोई बात नहीं लूजर हो ये बात तो वेल सबको पता है। कि तभी यहाँ पे जो जियो वन रहता है अपना पाम टेक्निक यूज करता है, लेकिन यहाँ पे वो लड़के को ओवरकम नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो लड़का इसको पीछे धकेल देता है जियो वन को। और यहाँ पर जियो वन की पावर लेवल तो काफी ज्यादा कम थी और फिर कोशिश करता है जियो वन एक टेक्निक परफॉर्म करते हुए इसको आने के। तभी उसके लड़के के इंप्रेशन आते हैं ये कैसा बंदर सा डांस करने लगा, इसको दौड़े पड़ रहे हैं। और फिर यहाँ पे जियो वन उसका पावर लेवल बढ़ाते हुए यहाँ पे उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिससे उसकी बॉडी टच करता है वो वापिस से पीछे फिका होता हुआ चला जाता है। पीछे से आ जाती है जी जूनियर उसको संभालते हुए। अभी यहाँ पे जियावान कहता है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे साथ में, तुम जैसी लड़कियों को हमारे लड़कों के मैटर में नहीं आना चाहिए। लड़का कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, इसने तो पालतू भी पाले हुए इसके देखभाल करने के लिए। और ये बात देख के यहाँ पे जियावान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जी जूनियर को भी। यहाँ पे वो लड़के इतना कहकर काफी तेज हंसने लगते हैं। देखो तो भाई क्या है यार जंट की एक बंदी। और फिर ये बातें सुनकर यहाँ पे जियो वन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी पावर लेवल में पता चलता है और लेवल को परफॉर्म करते हुए उन दोनों में फाइट होने लगती है और ये आपस में हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और तभी यहाँ पे वो लड़का उसको एक पंच जड़ता है जियो वन को और यहाँ पर जियो वन काफी दूर जाके गिरता है और बिल्कुल से लाचार हो चुका था। और तभी यहाँ पे उसको जी जूनियर पकड़ लेती है और यहाँ पे वो लड़का कहता है कि हंसते हुए इंटेलिजेंट लड़के तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और हाँ इंटेलिजेंट का बता दूं कि इसको ये इतना कहकर चिढ़ाने लगते हैं, ये इन लोगों का बाबूराव का स्टाइल है। और ये बात देख के यहाँ पे जी जूनियर अपनी पावर को दिखाने लगती कि तभी वो लड़के कहते हाँ जा रहे हैं ना जा रहे हैं ना, यहाँ से चले जाते हैं। कि तभी यहाँ पे जियान यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे पीछे से जी जूनियर उसको पकड़ लेती है, कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे जियो वन रहता है वो कहता है कि तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और वो अपने छोटे से दिल में बड़ा सा दुख डाल के यहाँ पर भागने लगता है और यहाँ पे जी जूनियर उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। तीन शिफ्ट होकर हमें जियो वन को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में भागता जा रहा था अपने छोटे से दिल में बड़ा सा पत्थर रख के, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में था। और यहाँ पे जियो वन सोचने लगता है जो कि उसकी बेइज्जती उड़ा रहे थे लोग। और यहाँ पे एक एक करके बात देखने लगता है जहाँ पर कि हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसका पावर लेवल था डाओ जी कुई 3 लेवल और यहाँ पर उसको काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं वो लोग। और फिर यहाँ पे जियान जाने लगता है मायूस होते हुए, सोचता है क्यों होता है मेरे साथ में। और फिर दूसरा फ्लैशबैक देखता है उसके पापा की, जहाँ पर कि वो कह रहा था कि वजह से हमारी भी फैमिली की नाक कटती जा रही है। और यहाँ पे फिर से हमें दिखाया जाता है कि जोंग को बताया जाता है जो कि लिंग जोंग कहती है कि यहाँ पर ये लड़का तो काफी ज्यादा मेरे से काफी ज्यादा कमजोर है और मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। सोचते है यहाँ पर जियो वन भागता जा रहा था अपने छोटे से दिल में 36 का होल लेकर, क्योंकि ये बात सोच के उसके सीने में धीरे धीरे करके काफी ज्यादा दुख बढ़ने लगता है। हमें वो जियान को जियो वन को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए आता है कब्र के पास में जो कि इसकी माँ की कब्र थी। और वो आके यहाँ पे सोचने लगता है कि क्या मेरा बस यही काम था,
और फिर यहाँ पे जियो वन कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने काफ़ी सारी मेहनत की लेकिन मेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है हर बार, नहीं चाहता कि मेरे साथ में ऐसा हो। और फिर यहाँ पे कैमरा एंगल आते ही तभी यहाँ पे उसके पिताजी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि लड़का इतनी ज़्यादा कल्टिवेशन करता है लेकिन इसकी कभी भी दाओ जी कोई थ्री लेवल से कभी इससे आगे प्रमोट नहीं किया गया, आखिरकार क्यों, ये पहले तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, ये अनाचक से इतनी ज़्यादा इसकी लेवर कम कैसे हो सकती है। अब कोई बात नहीं क्योंकि ये मेरा बेटा है तो मैं कभी भी किसी भी टाइम पे इसकी हेल्प करने के लिए हमेशा रहूंगा, और वो इतना कहकर जाने लगता है। और यहाँ पे जियो वन को दिखाया जाता है जो कि फूट फूट के रो रहा था और फिर वो कहता है माँ मैंने पहले ही कि क्या करूँ मैं इतनी ज्यादा कल्टिवेशन की लेकिन कुछ नहीं होता है लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं हेवन में जाऊँगा तुम्हारे पास आने के लिए तो मैं बिल्कुल भी तुमसे मुंह नहीं मिला पाऊंगा। ऐसे ही कह के फूट फूट के रोने लगता है कि तभी यहाँ पे उसको बात सुनाई देती है क्या कर रहे हो भाई, और तभी उसके रिंग में से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और यहाँ पे प्रकट होते हैं मास्टर यालाओ, तालियां हो जाए मास्टर यालाओ के लिए। और यहाँ पे मास्टर यालाओ आते ही कहता है कि बच्चे तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन तुम ऐसे ज्यादा क्यों रो रहे हो, इसका क्या मतलब है, एक लेवल कम होने से तुम्हारी जिंदगी तो कभी खत्म ना हुई। और तभी यहाँ पे जियो वन उसको देख के मुंह फाड़ लेता है, कितना बड़ा धुआं, और फिर उस धुएं में से निकल के आता है मास्टर यालाओ जहाँ पर वो कहता है कि मेरा नाम है मास्टर यालाओ और मैं बच्चे तुम्हारी दुख दर्द कम करने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे वो मास्टर यालाओ कहते कि अच्छा तो तुम्हें ये दिक्कत है कि तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ नहीं रही है, चलो कोई नहीं तुम्हारे लिए ये काम कर सकता हूँ लेकिन ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर काफी सारे लेवल है जैसे डाउसी डाडाउसी, जैसे कि तुम्हारी लेवल है डाउ क्वी जी जो कि एक सबसे स्टार्टिंग से लेवल है, ऐसे करके काफी सारे लोग लेवल है जैसे कि 12 लेवल है इसके, ठीक है ना, कल्टीवेशन करना पड़ेगा और इसे छोटे मोटे लेवल तो मैं ऐसे ही तुक्के में भिड़ा देता हूँ लेकिन तुम्हें एक बात मानना पड़ेगी, तुम मेरे डिसाइपल बन जाओगे, तुम मेरे डिसाइपल बन जाओगे तो मैं तुम्हें कल्टीवेशन करवाऊंगा। और यहाँ पे जियो वन कहता है कि क्या कल्टीवेशन, लेकिन मेरी तो कैसे कल्टीवेशन हो ही ना पाई इतने सालों से क्योंकि मैं तो काफी सालों से डाओ जी कोई थ्री लेवल पे ही पढ़ा हुआ हूँ भैया, कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर जियो वन खुश हो जाता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, जहाँ पर के मास्टर यालाओ हामी भरते हुए कहते हाँ बेटे। और यहाँ पे जो जियो वन रहता है यहाँ पे वो कहता है कि ये जो बंदा कह रहा है क्या ये सही है, ये बात सही है तो ये कैसे हो सकता है भला, मुझे भी हामी भर लेना चाहिए क्योंकि कल्टीवेशन करवा सकता है, या फिर नहीं, या फिर हाँ, या फिर नहीं, या फिर हाँ। और ये ऐसे ही कहते हुए उसको एक सवाल पैदा करते हुए कहता है बात बताओ तुम्हें मेरी कल्टीवेशन क्यों नहीं बढ़ती है, जहाँ पर कि मास्टर यालाओ कहते वो इसकी वजह से बच्चे क्योंकि मैं तुम्हारी रिंग में छुपा हुआ था और मैं तुम्हारी चुल शक्ति पेप लगा के सूत रहा था काफी मजे से। और ये बात देख के यहाँ पे जो जियो वन रहते उसकी आंखें फट जाती है, क्या कहा तुमने, मेरी पावर पेप लगा के सूत रहे थे तुम बुढ़े इंसान हमारी रिंग की, तो यहाँ पे जियो वन अपनी पावर रिलीज करते हुए कहते बुढ़े इंसान मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ बेवकूफ आदमी। और फिर यहाँ पे वो इतने कहकर वो कहता है वेल इसका तो कोई फायदा है ही नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ क्योंकि तुम तो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो। तभी पीछे से यालाओ कहते अच्छा तुम हार मान गए हो, यालाओ कहता है कि चलो ठीक है बच्चे तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूँ कि एक यहाँ पर अलग अलग लेवल की प्रैक्टिस की जाती है जिसमें कि एक नीली प्रैक्टिस ब्लू प्रैक्टिस ऐसे करके जैसे कि टाइगर जैसी है, यानी कि वो जैसे कि अगर डार्क डाउ टेक्निक अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो उसमें बस ये रहेगा कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी लेकिन उसका कोई फॉर्म नहीं रहेगा, तुम्हारी बॉडी के ऊपर आ जाएगी लिक्विड की फॉर्म से या फिर धुएं की फॉर्म से। बाकी डाउ टेक्निक में सबसे ज्यादा अलग बात ये है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहती और उसके पास में एक बात है कि वो अपनी एक फॉर्म में रहती है जैसे टाइगर या फिर कोई दूसरा भालू वगैरह या फिर कुत्ता वगैरह भी हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ एक डार्क डाउ टेक्निक जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो जियो वन रहते हैं वो कहते हुए चला जाता है नहीं मेरे काम में नहीं आने वाला ये कुछ भी। और तभी पीछे से यालाओ कहते हैं अबे रुक तो जा बच्चे कहाँ पे जा रहा है इतनी जल्दी किधर है जाने को तेरे को। और तभी जो जियो वन कहता है कि मुझे एक साल में दाओ जी कोई थ्री पहुंचना है क्योंकि ये बात जरूरी है तभी तो मैं तुम पे भरोसा कर पाऊंगा और या फिर मुझ पर, जहाँ पर की यालाओ कहते हैं तुम तो काफी एक लालची किस्म के इंसान हो लेकिन कोई बात नहीं लेकिन मैं तुम्हें
पहुंचा दूंगा दाऊ जी 7 लेवल तक। और यहाँ पर ये नहीं रुकेगे, मैं तुम्हें काफी ज्यादा आगे तक लेवल तक प्रैक्टिस करवाऊंगा। और हाँ, बस शर्त ये रहेगी कि तुम मेरी रिंग को रखोगे और हमेशा साथ में रखोगे, क्योंकि मेरे को दूसरे की अता पता नहीं है। और फिर जियो वन कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे कुछ ट्रेलर बताओ तो जरा। और फिर मास्टर यालो अपने फॉर्म में आते हुए काफी सारे पेड़ों को काट के रख देता और कहता कि देखो ये है मेरी पावर। और हंसने लगता है ईवल हंसी, लेकिन वो इतना हंसते हुए वापिस से उस बास को अपनी अपनी जगह पे लगा देता है, जिससे कि कुछ हुआ ही ना हो। और यहाँ पे जियो काफी ज्यादा डरा हुआ था और यहाँ पे उसके चार लंग यहाँ पे मास्टर यालो घूमने लगते और कहते कि अच्छा चलो ठीक है, जरूरी बात ये रहेगी कि तुम्हें ये चीजें इंग्रेडिएंट्स लेके आने पड़ेंगे। यहाँ पे जियो वन उसको देख के आके फाड़ देता है इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स। और फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है वही इंसान को, मोटे को, यहाँ की ट्रेडिंग चलाता था। और वो काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि हाल ही में उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी जी फैमिली के साथ। तभी उसका लड़का उसके कान में कहता है खुचुर पुचुर, पता नहीं क्या कहता है ऐसा ही कुछ करके। फिर वो मोटा आदमी कहता है अच्छा तो ये बात है, चलो कोई नहीं देखेंगे भाई। और यहाँ पर ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बाय बाय।